नमस्कार दगड़ियों, आज आपको हम तेजस कंस्ट्रक्शन की छोटी सी साइट पर ले चलते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि तेजस कंस्ट्रक्शन का जो ध्येय है व्यापार नहीं सेवा है, उसका एक डेमो आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम पहाड़ में भी व्यापार नहीं सेवा का मोटो कैसे पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि तेजस कंस्ट्रक्शन को अभी अपने ही गाँव में एक धर्मशाला बनाने का मौका मिला। अब सोच ही सकते हैं जिसके आगे धर्म जुड़ जाए तो फिर हम कितनी तन्मयता से उस काम को करेंगे। उसका एक उदाहरण आपको देने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक धर्मशाला का निर्माण करा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यह पूरा 725 स्क्वायर फीट में बना एक धर्मशाला है। जहाँ जब हमसे इसमें बात हुई तो हमें एक धर्मशाला निर्माण करने के लिए किया गया, लेकिन हमने इसको अपने विज़न के तहत इस धर्मशाले को ऐसा बनाया है कि खुद हमारे ग्रामीणों का कहना है कि धर्मशाला नहीं, आज एक कोठी बन गई है। ऐसा तो नहीं है, हाँ, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कहें या तेजस कंस्ट्रक्शन की सेवा में जो मौका मिला था उसका उदाहरण आपको दिखाना चाहेंगे कि हमने इसमें, क्योंकि मंदिर के नज़दीक था। सबसे पहले एक प्रश्न आया कि जब मंदिर के नज़दीक कोई धर्मशाला होता है तो हमने मंदिर की भव्यता को भी कम नहीं करना चाहिए। उसके तहत तेजस कंस्ट्रक्शन की पूरी टीम ने ये एक यहाँ पर डिसीजन लिया कि जो हम इसमें आप देख रहे होंगे जो पत्थरनुमा टाइल है, हमने इसमें पत्थरनुमा टाइल का यूज़ करा। इसका कारण यह था कि ताकि हम भगवान भोलेनाथ का जो पत्थरों से बना मंदिर है उसको कैसे मॉडर्न से आज सिमिलर कर सकते हैं, क्योंकि वह पत्थर तो बहुत ही महंगा काम था। और यह धर्मशाला किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने पितरों या पुण्य स्मृति के लिए बनाई जा रही थी, तो हमारे पास ऐसा भी नहीं था कि हम इसको पत्थरों से पूरा बना पाते। लेकिन सीमित या अच्छे बजट में कहें कैसे हम इसको बना सकते, आपने देखा होगा कि इसमें हमने पत्थर में पूरी टाइल लगी। दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब धर्म के काम पर होते तो आप हमारे पीछे ठीक पिलर देख रहे होंगे, तो हम इसको नॉर्मल पिलर भी बना सकते थे, 12x9x12 के या 7x14 के बड़े ईजी पिलर में होते थे। तो हमने इसको एक चैलेंजिंग लेते हुए धर्म से जुड़ते हुए इसको अष्टकोणी पिलर बनाया, ताकि आप खुद ही जानते हैं कि अगर आप सनातन धर्म से अगर जुड़े हैं तो अष्टकोणी का कितना महत्व होता है, इसको भी हमने समझाने का प्रयास इस धर्मशाला के माध्यम से किया। दूसरा एक और अच्छा उदाहरण आपको देना चाहेंगे इसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कि देखिए आप हमारा रंग रोहन तक देख रहे होंगे, जो एक थीम को अपने आप में हाईलाइट करता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको एक भगवा कलर का पिलर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ आपको एक येलो कलर का पिलर दिखाई दे रहा है। ऐसी इसमें हमने अंदर भी दीवारों में या फिर इसके जो भी रंग रोहन में कहें कोई ना कोई थीम जुड़ी रहती है। तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आप नीचे देख रहे हो बहुत सुंदर यहाँ टाइलिंग वर्क हुआ है नॉर्मल रेट में, बिल्कुल कि कैसे हम पहाड़ों में भी एक जेन्युइन रेट पर इतनी किफ़ायती एक काम कर सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, देख आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि आपको शीशे जो दिखाई दे रहे हैं ये डबल बादाम के शीशे, हम देखिए कि इसमें बाहर की ओर ऐसे लुक बहुत अच्छा होता है और अंदर इसकी सिक्योरिटी के लिए इसमें जाली लगी रहती है। आप देख रहे होंगे जाली में दरवाजे, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक वर्क आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें काम हुआ है। TMT बार बहुत अच्छा सीमेंट, अब हमने हमारा जो थीम थी हमने इसमें जब चिनाई के लेवल से काम हुआ तो हमने इसमें जंगरोधक सीमेंट करा। और आप यकीन मानेंगे कि एक धर्मशाले जैसी जगहों पर हमने इसकी छतों पर अल्ट्राटेक सीमेंट से इसमें डाला। तो कहने का मतलब जब भी तेजस कंस्ट्रक्शन काम करती है तो वह अपनी गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे वो धर्मशाले का निर्माण हो चाहे किसी बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट का। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम बिल्डिंग वर्क करते हैं तो आज के दिन मॉड्यूलर किचन, जिसको बड़ा एडवांस नाम दिया जा रहा है, कि जहाँ मॉड्यूलर किचन बनाया जाता है वहीं धर्मशालों में हमारे पास एक नई ये थीम थी कि धर्मशालों में हम मॉड्यूलर किचन तो नहीं बना पाते, तो हम इसे जैसे बिल्डिंग वर्क्स में आपने देखा होगा कि हम मॉड्यूलर किचन कहते हैं, लेकिन धर्मशालों में इसको माँ अन्नपूर्णा का स्टोर कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि माँ अन्नपूर्णा की हमने एक इसमें थीम करी थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को एक भोग लगता है तो उसमें चूल्हे का बहुत जरूरी एक रोल था। तो हमने आप देख रहे होंगे बगल से बहुत सुंदर यहाँ पर एक चूल्हे का निर्माण करा, चिमनी नुमा कि यहाँ धुआं लगेगा तो सीधे बिल्डिंग से बाहर चले जाएगा। सोचिए कि यह मॉडर्न माँ अन्नपूर्णा का एक स्टोर हमें बनाने का मौका मिला कि माँ अन्नपूर्णा भी इस रूप में हो सकती है। आप देखेंगे पहाड़ में चूल्हे तो आपने देखे होंगे, लेकिन तेजस कंस्ट्रक्शन की अपनी थीम के साथ आज एक मॉडर्न चिमनी देख रहे हैं या धुआं डायरेक्ट आपको ना लगे उसके लिए बाहर ऐसा बना रहे हैं। इधर मॉड्यूलर किचन रूम तो नहीं बना पाए, लेकिन मॉड्यूलर की ही थीम में आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें अलग अलग जैसे भोग कक्ष के लिए जो भी ऐसा निर्माण आया जो सामग्री इसमें लगेगी भोग बनाने के लिए उसके लिए अलग अलग खांचे बनाए हैं।
इसी थीम पर आजकल हम मॉड्यूलर किचन भी बना रहे हैं जिसमें चिमनी लग जाती है, आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिक चिमनियाँ लग रही हैं या कई कवर्ड बन रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा ही कोई कार्य इतनी गुणवत्ता से भरा करना हो तो आप हमें ज़रूर मौका देंगे। तो मैं बिल्कुल आपसे आशान्वित हूँ कि अगर आपको भी गुणवत्ता कहें या फिर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना हो और अच्छी दरों पर अगर कोई मकान या धर्म का कोई ऐसा काम करना हो तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप तेजस कंस्ट्रक्शन को सेवा का मौका जरूर देंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़िए तेजस कंस्ट्रक्शन के साथ।